दाल पूरी। जी हाँ, दाल पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ शेफ राहिल। आज हम आपके लिए बनाएंगे दाल पूरी। जी हाँ, दाल पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मूंग दाल भिगा हुआ, एक कप आटा, एक छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटे चम्मच ताजी हरी कटी हुई धनिया, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल। सबसे पहले हमने भीगी हुई मूंग दाल को उबाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है। इसके बाद एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड मूंग दाल, आटा, अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ताजी धनिया कटी हुई, और इन सब चीजों को अच्छी तरह से गूंद ले। सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिल जाए तब इसमें डालें तेल और फिर से इसे अच्छी तरह से गूंद ले। लीजिए, अब हमारा ये डो तैयार है। इसे हम एक गीले कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पूरी के आकार में। एक पेड़े वाले को दिखा देते हैं। सबसे पहले आप चॉपिंग बोर्ड को थोड़े आटे से डस्ट कर ले ताकि पूरी इस पे चिपके ना। इस तरह से हम सभी पूरी को बेल लेंगे। लीजिए, अब हमारा तेल गरम है और इसमें हम पूरी तलेंगे। अब हम अपनी पूरी को एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल के रख देंगे। इसी तरह से सब पूरियों को तल ले। इसी तरह से हम सारी पूरी को एक एक करके तल लेंगे। जी हाँ, दाल पूरी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म आलू की सब्जियों के साथ सर्व करें।